आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेट क्रीम के बारे में। तो मोमेट क्रीम क्या है, इसके अंदर का कंटेंट क्या होता है, कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये क्रीम लिख के दी जाती है, किस प्रमाण में डॉक्टर आपको इसको इस्तेमाल करने को बोलते हैं, किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने दिन तक इस क्रीम को आपको उपयोग करना चाहिए, अगर आप इस क्रीम का उपयोग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इस क्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या हैं, इसका मूल्य कितना है और कहां से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, मोमेट क्रीम जो है यह एक स्टीरॉयड क्रीम है जो कि यूज़ की जाती है यदि आपको त्वचा संबंधित रोग हैं, त्वचा संबंधित डिजीजेस हैं, या फिर आपके त्वचा में सूजन आ गई है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर देखिए मोमेटासोन रहता है जो कि 0.1% वेट में रहता है, जो कि टोटल क्रीम का वेट होता है उसका 0.1% मोमेटासोन कंटेंट रहता है। इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और इसको 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे स्टोर करना रहता है। मतलब आपके घर के नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको रख सकते हैं, नॉर्मल घर में रख सकते हैं, फ्रिज वगैरह में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। आइए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी कंडीशंस में आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है। तो देखिए, यदि आपको त्वचा में एक्जिमा की समस्या है, एक्जिमा क्या होता है, ये आपके त्वचा की जो सुपरफिशियल लेयर होता है वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे हल्का हल्का सूजन आ जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो एक्जिमा कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सोरियासिस। सोरियासिस देखिए, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जहाँ पर हमारी बॉडी हमारे ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है और स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला कंडीशन है डर्माटाइटिस। देखिए, डर्माटाइटिस जो है आपको एलर्जी की वजह से होता है, यदि आप किसी भी एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एलर्जी की वजह से आपको डर्माटाइटिस की समस्या हो जाती है, या फिर आपके त्वचा में कहीं भी रैशेस हो गए हैं, या फिर बहुत सारी अन्य जो त्वचा संबंधित रोग हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा खुजली है, वहाँ हल्का हल्का सूजन हो गया है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, पहले जहाँ इस क्रीम को आप लगाने वाले हो उस पार्ट को अच्छे से गुनगुने पानी से, वार्म वाटर से आपको धो लेना है, उसके बाद सॉफ्ट टॉवल लेके आपको उसको अच्छे से पोंछ लेना है और कुछ मिनट के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। जब वो पार्ट अच्छे से सूख जाए, वहाँ पे पानी का अंश नहीं रहना चाहिए, फिर उस क्रीम को उस पार्ट पे आप अच्छे से लगाएं और वहाँ पे थोड़ा सर्कल शेप में अच्छे से वहाँ पे मसाज कीजिए ताकि जो क्रीम है स्किन को आपके पेनिट्रेट कर दे, उसके बाद अच्छे से अपने हाथों को धो लें। इस क्रीम को देखिए आप डेली 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह 1 टाइम, रात को 1 टाइम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कितने दिन तक इसका यूज़ करना है, तो देखिए जनरली 7 से 14 दिन तक इस क्रीम को यूज़ करने को बोला जाता है, या फिर आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको जितने दिन तक इसका इस्तेमाल करने को बोल रहे हैं आपको, तो उतने दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं यदि आप इस क्रीम का उपयोग कर रहे हैं तो इससे आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट जो है हर किसी को नहीं होता है, किसी किसी को ही होता है। यदि आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है, जहाँ पे आपने इस क्रीम को लगाया वहाँ और ज़्यादा खुजली हो सकती है और वहाँ पर जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पर सूजन आ सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पहला, जिन लोगों को मोमेटासोन कंटेंट से एलर्जी है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसका मेन कंटेंट ही मोमेटासोन है मोमेट क्रीम का। और देखिए, इस क्रीम को आपको जहां आपके त्वचा में कट है, जहां आपको घाव हो गया है, ऐसी जगह पे नहीं लगाना है। इस क्रीम को हमेशा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही यूज करना है, मतलब बाहरी त्वचा में ही लगाना है। जहां आपके शरीर के त्वचा में कट है, घाव हो गया है, वहां पे इसको नहीं लगाना है। आइए अब हम जान लेते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में।
में। सब्स्टिट्यूट देखिए क्या होता है, मोमेट क्रीम जो है ये एक ब्रांड का नाम है, इसका कंटेंट मोमेटासोन है। तो मोमेटासोन कंटेंट वाले ही बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपना क्रीम बनाती हैं। कुछ अलग ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एच सोन क्रीम, एल्मोवेल क्रीम, मोमेट एक्सेल क्रीम, एम एफ सोन क्रीम, तो इसके अंदर भी कंटेंट मोमेटासोन ही रहता है। इसका भी जो काम करने का तरीका है इसी तरीके से रहता है। आइए अब हम जान लेते हैं इसके मूल्य के बारे में। तो देखिए ये क्रीम जो है आपको 5 ग्राम में, 10 ग्राम में, 15 ग्राम में, 20 ग्राम में भी मिल जाता है। तो अब इसके हम प्राइस की बात करें तो ये आपको 298 रुपीज़ में 20 ग्राम का क्रीम मिल जाता है, ट्यूब मिल जाता है मोमेट का। अगर हम इसके अवेलेबिलिटी की बात करें तो यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में आसानी से खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो जो बाजू में आपको वहाँ लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी मेडिकेशन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है, मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।